والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله وعلى الصلاه والسلام عليك يا نبي الله الصلاه फरमान आखिरी नबी सल्लम भरोसे की आमद लोगों में से मेरे क़रीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज्यादा दुरुद पाक पढ़े होंगे सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन लेकर हाजिर हैं आपके लिए प्यारा सा प्रोग्राम जिस प्रोग्राम का नाम है मेरा प्यारा दादी कौन सा प्रोग्राम है मेरा प्यारा दादी तो फिर बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ आज का सवाल है किड्स मदनी चैनल के नाजरीन के लिए बताइए अरकान इस्लाम कितने हैं? इसी के साथ बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में सेगमेंट शामिल करते हैं जिस सेगमेंट का नाम है एक प्यारी हदीस। मेरा मेरा प्यारा दी, मेरा प्यारा दी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन सेगमेंट है एक प्यारी हदीस। और इस सेगमेंट में हम क्या याद करते हैं हदीस करते हैं। तो आज की पाक, है। देखते हैं। लाही लाही समानियतु पाक का फरमान है जन्नत के आठ दरवाजे है जन्नत के कितने दरवाजे है जन्नत के, जन्नत के कितने दरवाजे है आठ दरवाजे हैं और उन दरवाजों से हम इंशाल्लाह जन्नत में के खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान, इस शान से कि या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हुए दाऊद भाई कहाँ जाएंगे हम माइक में जन्नत में जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह और उसके लिए अच्छे अच्छे काम भी करने होंगे और ये अच्छे अच्छे काम सिखाने के लिए आता है प्रोग्राम प्यार दीन।, दीन और सेगमेंट शुरू हो चुका है एक प्यारी हदीस इन अदीस को याद करें और इन पर अमल करें इन पर अमल भी करना है याद तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं पर अमल करते वक्त पीछे हो जाते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए आइए जल्दी से इसे पाक याद करते हैं अल जन्नत अल जन्नत अल जन्नत अल जन्नत लाहा लहा अल जन्नत लाहा अल जन्नत लहा अल जन्नत लहा बगदाद भाई सुनाएं जल्दी से इतना अल जन्नत लहा आपको ही बोला है बगदाद भाई सुनाएं अल जन्नत लहा नबील भाई अल जन्नत और जी दाऊद भाई अफान भाई। समानियतु समानियतु अब बगैर वक्फ के पढ़े तो क्या हो जाएगा और वक्फ कर ले रुक जाए तो ये अरबी पढ़ने का एक अंदाज होता है की आखिर में अगर वर्ड पे रुक जाए तो वहाँ पर जो उसकी हरकत होती है वो साकिन जाती है लेकिन इसमें जरा सा तफसील है ठीक है तो तफसील के लिए इस्लामपुर गिर देखें कारी साहब इनशाला आपको बताएँगे तो दो जबर दो जेर की अगर तनवीन है तो दो पेश या दो जेर की तनवीन है तो वो साकिन हो जाएगी तो अब वाबिन था अब क्या हो जाएगा अब वाब।, वाब जी दो जबर की हो तो फिर अलग हो जाता है मसला ठीक है जी तो आये बाक से तु समानियतु अब वाब समानिय तु अब समानियतु अब वाब अल जन्नतु तु समानियतु अब वाब तुल समानियतु अब अल-जन्नतु तु समानियतु अब वाब अल जन्न तुलानिय अब वाप जी जीता भाई जोर से अल-जन्नतु समानिय तु अबाब वाह जबरदस्त जी वा। अफान भाई अल जन्नतुला अल जन्नतुला आगे समानियतु समानियतु अब वा अब वा, वा। अब वा अब बा पढ़ेंगे उसके जो तन्वीन है वो नहीं पढ़ेंगे जी बगदाद भाई तर्जुमा अरबी नहीं नहीं सिर्फ अरबी अल न, गलती हो अभी नबील भाई सही बताएंगे आपको जी अल तुअब्वाद। तुअब्वाद। आ, अब बताएं कौन बनेगा जहीन बच्चा क्यों वो क्यों बनेंगे चले अभी अभी फैसला सब में जो है ना वो टाई हुआ हुआ है देखते हैं आज भी वही तरीका करेंगे आज भी तस्वीरें लाए हैं आप नहीं होंगी होंगी चलें तो फिर तस्वीरें हम चलाएंगे उसमें जो आदि से ज्यादा सुनाएगा उसको आगे बढ़ा देंगे ठीक है जी पहले अल जन्नतु ला हा अब वाब अल जन्नतु ला हा थमानियतु अबवाब जन्नत के आठ दरवाजे हैं जन्नत के आठ दरवाजे हैं जन्नत के आठ दरवाजे हैं जल्दी से अरबी और तर्जुमा अच्छे अंदाज से दाऊद भाई और अफान भाई अल जन्नतु ला जन्नत के आठ दरवाजे हैं आगे जन... अल जन्नत लहा सही है सही है अल जन्नत लहा समानियतु समानियतु अबवाब हम जन्नत के आठ दरवाजे हैं जन्नत के आठ दरवाजे हैं जी अल जन्नत लहा समानियु समानियतु अबवाब हमारे प्यारे आका मदीन आल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया जन्नत के आठ दरवाजे हैं आठ दरवाजे हैं या आठ दरवाजे आठ हाँ आठ आठ नहीं ठीक है नून नहीं है इसमें जी नबील भाई अल जन्नत लहा समानिया दो अब आप जन्नत के आठ दरवाजे हैं हम्म जन्नत के आठ दरवाजे हैं अभी चले चारों कोई शामिल कर लेते हैं मुकाबले में देखते हैं अब आगे मज़ीद कौन बढ़ता है आइए पिक्चर्स की तरफ़ देखते हैं जो मदरी चैनल के नाजीन प्यारे, प्यारे प्यारे बच्चों ने हदीस पाक ने दी उसको खूबसूरत अंदाज़ से लिख कर भेजते हैं प्रोग्राम का हम हिस्सा बनाते हैं आइए कुछ अदीस देखते हैं बसमिल्ल लिखिए बिस्मिल्लमीम क्या लिखा है भाई सल्लल्लाहु तआला सल अलैहि वसल्लम असमतु तो अखलाक खामोशी अखलाक की स्दार स्दार है जी एक हो गई असमतु तो अखलाक और लिखने वाली हमारी सबीहा तारिया शेख से मेरा प्यारा दीन और बड़ा बड़ा माशा इन्होंने लिखा है और अच्छी कोशिशें लिखने की अल्लाह पाकि ने सलामतियाँ ताफरमाए नेक्स्ट एक प्यारी हदीस सफ़ेद कपड़े पहनो माशा ये कितनी हो गई तीन लिबास अपना सुन्नत से आरास्ता हो और आगे क्या है, मामा हो सर पर सजा या शेर लिखा है अहमद रजा तारी हैं मंडी बाउद्दीन कहाँ है ये मुल्तान 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 कहाँ हैं पंजाब में पंजाब में पंजाब में हाँ पंजाब में जी नेक्स्ट याद हो रही है नहीं अलमसलिमू अखुल मुस्लिम मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है. भाई है मुस्कान फातमा है लोधरा से वाह 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 माशा वहाँ वहाँ से आ रही हैं जहाँ नॉर्मली आती नहीं हैं। है दिसे पाक लिख कर भेज रही हैं माशाला फूल भी बनाए हुए हैं अच्छे अंदाज से जी नेक्स्ट नबी करीम सल्ह वसलम ने फरमाया लाईमान लिमल्ला अमानतला उस शख्स का कोई ईमान नहीं जो अमानत पूरी नहीं करता नेम है सोबिया तारिया लाहौर से सोबिया तारिया लाहौर माशा जी नेक्स्ट बस जी इतनी सर जी कम्प्लीट हो गई अब आप लोगों का इम्तहान शुरू कौन सुना रहा है ज्यादा फ़ान भाई चले भाई असम तो सही यदुल अखलाक खामोशी खामोशी अखलाक की सरदार है असम तो सही अखलाक खामोशी अखलाक के सरदार है।, है चले एक मान लेते हैं जन्नतु अल जन्नतु लहा ये तो आज की हो गई ना ये यानी जो आई है वो पान भाई यूं सीधे ऐसे बैठे हुए नहीं होंगे जी और कौन कोशिश करेगा आप दाऊद वो बगदाद भाई जी एक मैं दूसरी सुना रहा हूँ जिसमें नहीं थी और एक मैं इस वाली सुना रहा हूँ। अच्छा चले असंतु सैयद الاخلاق तो अभी थी सही अच्छा नहीं हां सईदुल अखलाक हमारे प्यारे अगमदीना वाले फ सल्लल्लाहु तअलै ने शायद अमया गमजिय الاخلاق का सरदार है ला يدخل الجنت قطاتن जो और हो जन्नत नहीं लेकिन ये आज, आज कीमत ही नहीं थी खैर इन्होंने पहले कह दिया था मैं पिछली सुना देता हूँ चलो और बस दो अल अलमुसलिम अखुल मुस्लिम भी थी ये लग रहा है भाई ये रिवाइज नहीं हो रहा सब आगे चल रहे पीछे भूल रहे आगे चल रहे पीछे भूल रहे ऐसे चल रहा है क्या है सामने अभी हमने दी से दिखा दी फिर भी जो है वो नहीं सुना रहे तो अब क्या करें दो बगदाद भाई ने सुनाई दो उन्होंने सुनाई अफान भाई ने अफान भाई ने एक सुनाई एक सुनाई थी क्या तो फिर बगदाद भाई हमारे जहीन बच्चे बन गए लेकिन इतना मज़ा नहीं आया भाई ये तो इतनी सारी अभी दिखाई और ये सब पहले याद कराई भी हैं और ये हमारा सेगमेंट कंप्लीट हो गया है अब नहीं पिक्चर ऑफ़ द डे फिर रह गई है भाई पिक्चर ऑफ़ द डे जी पिक्चर ऑफ़ द डे शामिल करते हैं माशा हमारी तारिया थी शेखपूरा से उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज सदी से पाक लिख कर भेजी बहुत बहुत आपको मुबारक हो और अब चलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कलाम जी कलाम सुनाने के लिए मौजूद हैं अली रजा भाई कैसे अली रजा भाई खैरियत ऐसी क्या सुना रहे क्या बताऊं के क्या क्या मदीना है ठीक है जी मिलके पढ़ना है क्या बताऊँ के क्या मदीना है बस मेरा मुद्दा मदीना है जी वसल्लम

बताऊं क्या बदीना है।, है बस मेरा मुद्दा है। प्यारा प्यारा बदीना है। सोना सोना बदीना है।, है अच्छा अच्छा बदीना है। कैसा है प्यारा प्यारा बदीना है। हम्म प्यारा प्यारा मदीना है और हमने जाना हमने जाना हाँ हमने जाना मदीना है जी इनशा वो दिन भी आएगा कि हम भी मदीने जाएंगे और अभी प्यारे प्यारे बच्चों की कॉल्स आ चुकी हैं तो हमारे सफ़ील्ला भाई ने सवाल दिया था क्या सवाल दिया था अरकान कान इस्लाम कितने हैं कान इस्लाम कितने हैं तो अब देखें आपके लिए कॉल्स आई हैं जरा कॉल लें उनको देखें जवाब सही दे रहे हैं क्या बातें कर रहे हैं जी सफील्ला भाई बता कराची से हूँ स्लैब के पांच अरकान हैं। इनका जवाब दुरुस्त है सुभान अल्लाह नेक्स्ट कॉल मैं खिच्ची वाला से सैयद जैनाबिदीन अर्ज कर रहा हूँ अरकान इस्लाम पांच हैं कलमा तैयबा नमाज रोजा जकात हज जज़ाकल्लाहु खैरा माशाल्लाह इन्होंने सवाल का जवाब भी दिया और ये भी बताया कि कौन कौन से अरकान हैं कलमा तैयबा नमाज रोजा हज और जकात के पांच अरकान हैं पांच अरकान हैं इस्लाम के आपका जवाब दुरुस्त है सुभान अल्लाह निष्कोल मेरा नाम किस तारीख है मेरा नाम गुच्छिया तारीख है आपके सवाल का जवाब है अरकान इस्लाम पांच है। किड्स मनी चैनल हमारा मदनी चैनल कल आमीन मैं हूँ एमा दिया नतारी तो शरीफ से मैं आज कलाम सुनाऊंगा नाम नबी से प्यार है दिल से ये इकरार है आंखों का तारा नाम मुहम्मद दिल का उजाड़ा नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु <सकत> अलैहि वसल्लम

वापिस ले लें टाइटल आप लोगों से जी नेक्स्ट मेरा नाम आमना है मैं लोगों से बात कर रही हूं आज के सवाल का जवाब है अरकान इस्लाम पांच है किड्स बंदी चैनल हमारा चैनल आमीन माशाल्लाह चले नेक्स्ट मैं हूं गुलाम मोहम्मद अत्तारी तोसा शरीफ से आ, मैं आज आपको कलाम सुनाऊंगा मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह ये थे हमारे गुलाब गुला, मोहम्मद अत्तारी थे ना माशाल्लाह और अब हम सफील्ला भाई के पास चलते हैं सफील्ला भाई कौन सा सेगमेंट लाए हमारे लिए आप करामाते सहाबा करामाते सहाबा करामत सुने के इंशाल्लाह आज देखते हैं कौन सी करामत सुनने वाले हैं तवज्जो से सुननी है बड़ी जबरदस्त सी करामत सुनाया करते हमारे सफील्ला भाई चलते हैं सेगमेंट करामाते सहाबा मेरा प्यारा दीन बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजीन सेगमेंट है सेगमेंट में हम अल्लाह पाक आखिरी नबी सलील के प्यारे प्यारे में से एक सहाबी रजील की करामत सुनते हैं तो इसी तरह आज भी हम एक प्यारे से हाबी की करामत सुनेंगे आप सबने तोज्जो के साथ सुननी है प्यारे बच्चों आज हम नबी पाक सल्हे के जिन प्यारे सहाबी की करामत सुनेंगे वो हैं इस्लाम के चौथे खलीफा कौन अफान भाई हजरत अली रضي अल्लाहु तआला जी हाँ इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली इनके आज इंशाल्लाह प्यारी सी करामत सुनेंगे इंशाल्लाह बड़ी जबरदस्त सी करामत है आप सबने तवज्जो के साथ सुननी है प्यारे बच्चों एक मरतबा नहरे फुरात में सैलाबी तूफान आ गया एक नहर है उसका नाम है फरात उस नहर में सैलाबी तूफान आ गया और उस सैलाब में सारी की सारी खेतियां डूब गई जिसकी वजह से लोगों का बहुत नुकसान भी हुआ फिर लोग हजरत अली के बारगा में हाजिर हुए और आप रजी अल्लाह से रिक्वेस्ट करने लगे हुजूर कुछ कीजिए हजरत अली फौरन उठ खड़े हुए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक इमामा मुबारक और चादर मुबारक पहनकर घोड़े पर सवार हुए इमाम हसन और इमाम हुसैन ऱीलुमा और दूसरे लोग भी आप रज़ी को फ़ॉलो करने लगे हजरत अली नहर फुरात के किनारे पर पहुँचे और वहाँ और वहाँ दो रकत नमाज अदा की वहाँ दो रगत नमाज़ अदा की और फिर पुल यानी ब्रिज पर तशरीफ़ लाकर अपने असा यानि लाठी से नहर फुरात की तरफ इशारा फरमाया तो आप रजों के इशारे से उसका पानी एक गज़ कम हो गया उसका पानी एक गज़ कम हो गया फिर दूसरी मरतबा इशारा फरमाया तो एक गज़ और कम हो गया एक गज़ और कम हो गया और प्यारे बच्चों जब तीसरी बार इशारा किया तो तीन गज पानी उतर गया और सैलाब खत्म हो गया लोग लगे या अमीर बस कीजिए यही काफी है किसकी करामत सुनी हमने क्या तो सुनी अफान भाई करामत सुना रहे हैं रह कुछ और सुना रहे हैं कुछ तो सुना रहे हैं पता नहीं क्या सुनाना चाह रहे पहले सुना रहे थे हाथ उठा था अब वापस चला गया जी दोबारा आ गया है हाथ उठ चुका है दोबारा चलते हैं जी हजरत अली ताला हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक पहना इमामा इमाम साड़ी पहना और और चादर साड़ी पहन के घोड़े में चादर भी थी? थी जी क्या और घोड़े पे सवार हुए फिर क्या हुआ कहाँ गए क्या करने गए दाऊद भाई क्या चीज बढ़ गई थी आगे सल कहाँ आ गया था देखें आप सुना रहे थे लग रहा है सब कुछ यहाँ ऊपर ऊपर से ऐसे ऐसे जा रहा था कुछ आ भी रहा था कहाँ गए थे क्या करने गए थे कुछ करने गए थे ना जी नबील भाई दो आप भी थे ना हाथ नीचे करे हाथ नीचे करे नबील भाई को जरा देखने दें जी नबील भाई कुछ बता रहे क्या सैलाब आया हुआ था कहीं पे कोई नहर है या शायद दरिया है फुरात वैसे दरिया के तौर पे मारूफ़ है ालिबन उसी को नहर भी कहा गया है जी नहीं बता भाई आप कहीं और थे ये कहीं और थे दी बगदाद भाई हाँ दरिया या नहर यहाँ पर लफ्ज़ नहर मौजूद है उसमें क्या आ गया था तो रजत अली ने क्या किया था किस चीज़ से इशारा किया थी इशारा किया था भाई और क्या होने लगा फिर हाँ गज क्या है गज इन्होंने बताया ना मेजरमेंट होती है गज दो गज कपड़े लेते हैं पांच गज चार गज जाके लेते होंगे ना तो उस तरीके से वो पानी कम हो हो होना शुरू हो गया कभी ऐसे सैलाब जाता है नहीं। तो ऐसे इशारा करे लेकिन ये शान है हजरत की क्या बात है तो ये था सेगमेंट करामाते करामत सुनी और अब चलेंगे इस्लामिक History. की जी इस्लामिक हिस्ट्री सेगमेंट शुरू हो चुका है और इसमें सुन रहे हैं हजरत फारुक आजी अल्लाह की शान और आज हम ये सुनेंगे कि कल हमने क्या सुना था पहले ये बता दें जी अब देखें मैं सफील्लाह भाई को कह रहा था हो सकता है सफील्लाह भाई मुझे कहें क्या आप भी सुनाते हैं तो भी ऊपर से ही जाती है ऐसा फील्ला भाई भाई अब तो पूरा दिन गुजर गया है ना तो अब हो सकता है आई हो लेकिन फिर चली गई हो जी कुरान पाक जमा करने के हवाले से पहले कुरान पाक कैसे याद होता था कहाँ रखते थे बताया था सिर्फ़ जहनों में होता था हिफ्स का रवा होता था थोड़ा बहुत लिखा होता था फिर क्या हुआ था एक जंग में अफ़ान भाई बहुत सारे हाफिजन साहबा के नाम का क्या हुआ था जंग, जंग हुई थी या शहीद हो थे? और फिर हाँ दाऊद आप नहीं थे कल नहीं। तो, तो देखा भी नहीं देखना चाहिए था ना अगर यहाँ नहीं आए तो घर पे देखना चाहिए जी? मदरसे, में मदरसे में थे चले भाई मदरसे में थे अब हम कुछ नहीं कह सकते नवील भाई तो थे फिर क्या हुआ बगदाद भाई फिर हुआ ये था नजर तो उन्होंने ये एक फिरा... तो आप मुंह खोल के वाजे वाजे बोलना चाहिए आप थोड़ा सा बोलते हैं बकिया खा लेते हैं अंदर ही अच्छा। अंदर अच्छा एक था मुस्लिम में नकील मुस्लिम भी नकील नहीं मुसलिमा कजाब मुसलिमा कजाब

किसी किताब की सूरत के अंदर वो रखवाल तो मुशीर पे अमल किया और जो, को जो बाकी जो है जो उनसे किताब में रखवा लिया था जबरदस्त सुहान बात है माशा बगदाद भाई देखे कैसे याद कर लिया है बहुत सारे बड़े भी देख रहे हो तो उनके लिए भी यूनिक हो और कुछ याद हो कुछ नहीं हो अरे बगदाद भाई ने याद कर लिया वाह ज़बरदस्त तो अब आगे सुनते फिर हज़रत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तुनों के बाद खलीफ़ा कौन बना था हज़रत फ़ारोक़ आज़म तो इसके बारे में तो सिद्दीक अकबर ने इनको बनाया था इनको किसने खलीफ़ा बनाया था सिद्दीक़ अकबर रदील्ला तु लेकिन आपने पहले मशवरा किया था तो जब आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो आपने मशवरा किया और अपने बाद आप खलीफा बनाने का सोच रहे थे तो उस वक्त मुख्तलिफ़ साहब के नाम से आपने इस बारे में मशवर किया और ज़रा फ़ारुक़ आजम के बारे में फ़ीडबैक लिया कि मैं इनको बनाने लगाऊँ तो आप लोग इनके बारे में क्या कहते हैं इस हवाले से आपने जो है वो मशवरा किया फीडबैक लिया तो जब हज़रत अबूबकर ज़्यादा बीमार हुए तो आपने हज़रत अब्दरमान इबन ऑफ़ हज़रत अबरमान इबन ऑफ ऑफ़ रदी अल्लाह के बड़े ज़बरदस्त साहबी थे इनको बुलाकर इशाद फरमाया कि आप उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह तु के बारे में क्या कहते हैं मैं इनको सोच रहा हूँ तो आप इनके बारे में क्या कहते हैं आपकी इनके बारे में क्या राय है उन्होंने अर्ज़ किया हु के बारे में आप मुझसे फीडबैक ले रहे हैं आप इन्हें मुझसे ज़्यादा जानते आप इन्हें मुझसे ज्यादा जानते हैं आपके ये दोस्त हैं आपके साथ रहे हैं आपने इनको अपना मुशीर भी रखा हुआ था आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं तो आप रदी अल्लाह तन ने इशात फरमाया फिर भी कुछ तो बताइए आप इनके बारे में तो हज़रत अब्दरमान इब रदील्ल्लार्स करने लगे अल्लाह पाक की कसम आप रदी अल्लाह तनुकी हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तन के बारे में अपने बाद खलीफा बनाने की राय बहुत ही बेहतरीन है बहुत ही बेहतरीन है, है कि जो आप अपने बाद इन्हें खलीफा बनाना चाहते हैं फिर आपने हजरत ऊस्मान गनी को बुलाया हजरत ऊस्मान गनी को बुलाया और उनसे भी यही पूछा कि मुझे उमर फारूक के बारे में बताइए। ही चुनाचा हजरत ऊस्मान गनी रत ने जवाब दिया हजूर आप हमसे बेहतर जानते हैं

हदैर रदीमा के साथ साथ और बहुत से साहब इक्राम रदी अल्लाह तुम से मशवरा किया हज़र उसैद बिन हुदैर रदीन ने अर्ज़ किया लापाक बेहतर जानता है और मैं आप के बाद खिलाफत के लिए हज़रत उमर फ़ारूक को सबसे बेहतर समझता हूँ सबसे बेहतर समझता हूँ वो तो अच्छे काम पर राज़ी और बुरे काम पर नाराज़ होते हैं और हज़रत उमर फ़ारूक तआला तन के अलावा ख़िलाफ़त के कामों में कोई ज़्यादा मजबूर और मज़बूत और ताकत वाला कभी नज़र नहीं आएगा तो ये सहाबा के से आपने पहले मशवरा किया और मशवरा करने के बाद फिर हजरत उमर फारूक तआला तु को क्या बनाया खलीफा।, खलीफा खलीफा तो हम भी जब भी कोई काम करने चले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम क्या कर लें पहले मशवरा कर मश् लें उसके बाद फिर आगे बढ़ें जी सफ़ील्ला भाई